जैसा कि आप देख सकते हो ये XP 100 पेट्रोल है और ये 160 रुपए लीटर है भाई। भाई मैंने तो आज से पहले कहीं नहीं देखी थी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हम आए थे दिल्ली से आगरा, आज हम वापस जा रहे हैं आगरा से दिल्ली, क्योंकि हमारा जो पर्पस है यहाँ सब चीज़ें विजिट करने का वो पूरा हो चुका है। एंड यार यही है हमारी डोमिनार, यहाँ लगी हुई थी। ये हॉस्टल है, द ताज हॉस्टल, जो कि ताजमहल से पाँच मिनट के वॉक पे भी नहीं, 2 मिनट के वॉक पे है। ठीक है, तो फिर अभी हम देखते हैं। कल तो बाइक हमारी कम से कम 1900 का तेल पी गई दिल्ली से आगरा आने में, आज देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस चल। तो भाई हम लोग निकल के आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, अभी टोल नहीं कटा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे इसी को लेते हुए दिल्ली। और रास्ते में कुछ शॉर्ट्स भी दूंगा मैं, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मोबाइल हैंड से पकड़ना रहता है, तो विंड प्रेशर की वजह से लगता है मोबाइल गिर रहा है, इसलिए मैं नहीं करता ज़्यादा। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाड़ी का में फ्यूल पूरा है और चलिए 15530 किलोमीटर है। अभी दिल्ली पहुँच के देखेंगे कि क्या ये रहता है ये कैलकुलेशन। अरे अरे ओए रुक जा यार, अकेले जाओगे। चलो गाइस तो चलते हैं, बैठो बे। तो भाई चलो जैसा आप देख सकते हो गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रेसवे के। तो यहाँ हमसे लिए गए 250 रुपये टोल के, जो कि आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों के लिए वैलिड है। तो जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देख ही लिया होगा, बाइक कितनी घाड़ फाड़ कितनी औसम ये दे रही है, स्पीड दे रही है। स्पीड तो ये 150-160 भाग ही जाती है, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अगर रिकॉर्ड करूँगा तो ये क्या कहते हैं फ़ोन मेरा गिर जाएगा, तो काफ़ी का नुकसान हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो यार हमने गाड़ी में फिर से 200 रुपये की फ्यूल भरवाई है, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो यहाँ पेट्रोल 160 रुपये लीटर है। अभी मैं देखा कि आप देख सकते हो ये XP 100 पेट्रोल है और ये 160 रुपये लीटर है भाई। भाई मैंने तो आज से पहले कहीं नहीं देखी थी, लेकिन यार आज चलो ये भी देखने को मिल गया। और 160 रुपये की पेट्रोल थी, हमने 200 हवा चेक करा ले, हमने 200 का भरवाया। और यहाँ सोच रहे हम बाइक की एयर प्रेशर भी टेस्ट करा ले आगे पीछे दोनों का। तो गाइज यार हम यहाँ आए थे हवा चेक कराने, और ये हमें लग रहा था कि बाइक इतनी कम माइलेज क्यों दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे तेल इतना क्यों जा रहा है। तो अभी मालूम चला यहाँ 2 पंचर है, एक तो यहाँ एक पीछे का भैया ने बना दिया, और गाड़ी के इसी साथ पोल्यूशन टेस्ट भी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। भैया 2 ही पंचर है या और है? जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, हमने पोल्यूशन का ये भी कराया अप टू 1 ईयर का, और भी हमारी गाड़ी में कितनी पंचर निकली थी? 4 पंचर निकली थी। इसीलिए मैं बोलूँ गाड़ी ऐसे 15-18 की माइलेज क्यों दे रही है। भैया ने आगे पीछे वाला टायर दोनों बहुत अच्छे से चेक किया। और चलो फिर हम निकलते हैं यहाँ से, अभी 1 आवर समय लगेंगे दिल्ली पहुँचते में, उसके बाद से हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे।